गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। तो यार, जैसा आप सभी को पता है, आज है दूसरा दिन। और दूसरे दिन पे आपको मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूँ मासी के घर जा रहा हूँ। अभी सिस्टर के यहाँ आया था मैं। मेरे मामू हैं, जो रियल मामू हैं, उनकी बेटी थी, उसकी शादी यहाँ पे हुई है। अब यार, नाम मेरे को यहाँ का पता नहीं है। मतलब ये जुब्बल का एरिया है, शिमला डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ आया था। बाकी देख सकते हैं यार आप, जगह काफ़ी ख़तरनाक है। तो अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, इधर से आ चुका हूँ। ये ग्रीन सा जो चादर वाला घर दिख रहा है आपको, यहाँ से निकल चुका हूँ मैं। और अभी जा रहे हैं वापस। अभी तो नेरवा जाऊंगा, नेरवा से ही रोड कटता है, तो नेरवा के लिए निकलते हैं। और उसके बाद वहाँ से जाएंगे, वहाँ से 3-4 किलोमीटर है। नाम वहाँ का अभी मेरे को नहीं पता क्या है, तो कोई नहीं, चलते निकलते, देखते वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा। तो आप लोग बने रहिए तब तक मेरे साथ ब्लॉग में, और ब्लॉग को फुल इन्जॉय कीजिए और स्किप बिल्कुल भी मत करना। बाकी यार, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाओ यार, दबा के फॉलो करो। आपके भाई के 1K तो कंप्लीट हो गया, मतलब 1050 हो चुके हैं, तो आगे भी कंटिन्यू करते रहो। मिलते हैं आप लोगों से, अभी तो निरवा में ही मिलते हैं। निरवा में ही दोबारा ऑन करूँगा मैं कैमरा, तो बने रहिए बस ब्लॉग में यार, इन्जॉय कीजिए ब्लॉग को। तो फाइनली पहुँच चुके हैं यार, अभी करते हैं भाई को फ़ोन पहले कि ज़रा कहाँ आना है, फिर देखते हैं। हेलो। हाँ जी, फिर किधर है जी? मैं तो घर पे। घर पे? तू किधर? यहाँ से ऊपर वाले रोड पे कटू ना, ये जो यहाँ दो है। कॉलेज रोड है। वहाँ पूछो ना, कॉलेज रोड कौन सी जाती है, वैसे मैं चले रहा हूँ। भैया यहाँ कॉलेज रोड कौन सा है? ये वाला? चलो ठीक, कितना आना इसमें ऊपर? इसमें आना तो 8-7 किलोमीटर। तो ये यहाँ का कॉलेज रोड ना, मेरे को बोला तो यही है कि कॉलेज रोड पूछना और आ जाना। तो मैं यहाँ आ चुका हूँ, यहाँ से वो बोल रहे थे कि 6-7 किलोमीटर है, तो अब देखते हैं यार ज़रा कितना टाइम लगता है। अभी उन्होंने कहा था कि खड़ तक आ जाओ 4-5 किलोमीटर, फिर वहाँ से रोड चेंज होता है, निकलते हैं ज़रा। अरे यार, रोड है भाई, क्या क्या ये मैं तो इसमें भाई मतलब चढ़ते चढ़ते ही मर जाना। बाकी ये चेक करो यार, आपका निरवा शहर भाई, माँ कसम भाई, बहुत अच्छी जगह लगी है मेरे को। मेरे को लगा था कि छोटा सा ही होगा, जैसे होता है यार गांव की साइड कैसा होता है, बट भाई नहीं, काफ़ी भयंकर प्लेस है। और तभी निरवा इतना फेमस भी है यार, आपने सुना ही होगा निरवा का। यार सबसे ज़्यादा फेमस में भी बस स्टैंड है, क्योंकि मैंने काफ़ी जगह मतलब उसका बस स्टैंड देखा। ये इनका ग्राउंड है यहाँ नीचे, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। तो यार खट तक 5-1 किलोमीटर कहा था उन्होंने, 10-1 मिनट में। रवा 4 हो चुके हैं, तो देखता हूँ 10-12 तक तो शायद, क्योंकि 10 तो 2 मिनट मेरे को चल के भी हो गए। आप लोग निरवा ही इंजॉय करो भी फिलहाल, तो फिर उसके बाद आपको करवाते हैं अपनी मासी का घर, जाते हैं वहाँ पे, दिखाते हैं आपको, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। और ज़्यादा अच्छा तो ये है कि यार मैं भी पहली बार आया हूँ और 150-200 किलोमीटर का सफ़र है। बाकी ये चेक करो यार, ये शायद कॉलेज है, फोन ही कर लेता हूँ मैं, कॉलेज के पास पहुँच चुका हूँ यार। ये है अपना निरवा कॉलेज। अच्छा, ये भी तभी है यार, मेरे को राजगढ़ की तरह ही लगता है कई बार, ये कॉलेज पिक्चरों में आता है, फोटोज़ में देखते हैं, या कभी किसी लड़के के या लड़के के देख लेते हैं, तो फिर मतलब ये राजगढ़ की तरह ही लगता है। जैसा राजगढ़ का कॉलेज है वो भी सेम ऐसा ही है, तब थोड़ा सा वो लगता है ये कि सेम सेम ही है। वाह, निरवा जिला शिमला। अभी ज़रा फ़ोन करता हूँ उनको दोबारा, आप तब तक बने रहिए ब्लॉग में। कर सकते हैं आप लोग रोड यार, यहाँ के ऐसे ऐसे रोडों में चलना पड़ता है गाइस। मैं तभी यार मतलब गांव के रोड प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई इनकी हालत ऐसी होती है कि मतलब पैदल चलना भी मुश्किल है किसी के लिए, तो भाई मतलब अपनी गाड़ी बाइकें चलानी तो बहुत टफ है। देख सकते हैं आप, मतलब पिछले 1.5 सालों से मैं इन्हीं रोडों पर चल रहा हूँ, मतलब जब से मैंने ये बाइक ली है। ऐसे ऐसे ही मतलब इस पे तो नहीं, बट ऐसे ऐसे ही रोड है ये, तो फिर भी एटलीस्ट थोड़ा सा ठीक है। बट जो मेरी गांव की साइड का है भाई साहब, उसको तो मतलब ना देखने का मन भी नहीं करता कि भाई हाँ देखे भी हम उस रोड को, वो इतनी हद तक ख़राब हो चुका है। ज़्यादा ये वाले कच्चे रोड यार बारिश की वजह से ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि इसमें बारिश की वजह से
नाली ऐसी बन जाती है और ये रोड ख़राब हो जाते हैं। बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, आपको मैं बताऊं कि पक्के से अच्छे ये कच्चे रोड ही होते हैं, तो वही है, क्या कर सकते हैं। तो यार छोटे लिफ्ट मांग रहा था बट अभी यार मेरे को निकलना है टाइम से, अभी लिफ्ट देने का कोई मूड नहीं है। इस साल बोलूँ आपको कि यार जनवरी तो क्या मतलब अक्टूबर से मैं मतलब जब से घर गया हूँ भाई तब से मेरा ना सेब का ही चला है, सेब का ही मतलब हर जगह सेब ही सेब सेब ही सेब, सेब के पौधे पाल्टियाँ मतलब वैरायटियाँ वगैरह सब यही देखने में ही मतलब पूरा साल निकल गया। लास्ट ईयर के 3 महीने भी निकल गए इसी चीज़ में। और अभी यार देख सकते हो आप अप्रैल आ चुका है, चौथा महीना है मई आने वाला है और अभी भी मैं सेब ही देख रहा हूँ भाई, सेब ही। जून जुलाई में फिर मतलब जब फल वगैरह निकलेंगे फिर उसको देखने जाऊँगा। मतलब ये है कि यार ये साल तो मतलब ऐसा है कि सेब में ही निकल जाना, सेब में क्योंकि यार अभी मेरे को थोड़ी सी सेब की नॉलेज है वो अर्न करनी है, क्योंकि यार अब अपने भी लगा रहा हूँ तो ज़रूरी है कि नॉलेज होनी चाहिए। अब यार यहाँ पे एक तो रोड का पता ही नहीं चल रहा है भाई, मतलब दो दो करके आ रहे हैं नीचे नीचे। यार उन्होंने खड्ड में कहा था, अब खड्ड पता नहीं कहाँ होगा। माँ कसम भाई ये फिसलने वाला राग ना बहन चोत। ओ भाई साहब, अरे बाइक बेटे आराम से निकल ले आराम से। यार जरा पहले पता ही करता हूँ कहाँ जाना है, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि फाइनली पहुंच तो चुका हूं मैं। यार थोड़ा सा बचा है 1.5 किलोमीटर। बाकी यार ये सेब भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को सपने में भी यही आने वाले हैं, इतने ज़्यादा देख चुका हूं मैं। अब यार भाई मैं तो पहले तो ये सेब और दूसरा ये रोड देख के बहुत ज़्यादा वो हो रहा हूं भाई, कैसे इन जगहों पर कैसे लोग सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि यार भाई मतलब मैं तो पैदल भी ना चलूँ इस रोड में। बाकी यार अभी ऊपर का तो पता ही नहीं है कि कितना बचा है, 1.5-2 किलोमीटर बोला था उन्होंने, देखिए 2.5 किलोमीटर के आसपास बोला था। तो एक तो मैं आ चुका हूँ लगभग 1 किलोमीटर, तो आप चेक कर सकते हो मैं वहाँ नीचे से आया हूँ, नीचे सड़क दिख रही होगी आपको उतनी दूर से भाई, वहाँ से मतलब हाइट हाइट में ही जाते जा रहे हैं भाई ऊपर से ऊपर ही। आ तो गया हूँ मैं यार अब किधर, अब ये भी है यार ये यश भाई भी पता नहीं कहाँ होगा, ये भी बोल रहे कि कहीं गया हुआ हूँ मैं, तो अभी ढूंढने मुश्किल हो जाएंगे। अगर बाहर भी आते कहीं यार तो फिर भी पता चल जाता। फोन ही करना पड़ेगा। तो यार ये थे यहाँ पर मासी वगैरह के घर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आ चुका हूँ मैं यहाँ से, अभी 4-5 घंटे इनके पास बैठा था। तो अभी निकलते हैं यार यहाँ से वापस सोलन के लिए और देखते हैं, मौसम चेक करो यार काफ़ी ख़राब हो चुका है और मेरे को लग भी रहा है कि कहीं भाई दिक्कत ना हो जाए, तो इसलिए टाइम से निकलते हैं। तो चलते हैं यहाँ से और अब बीच में ही दिखाता हूँ मैं आपको यार दोबारा से वही कल वाला व्यू, बट कुछ अमेजिंग चीज़ें दिखाऊँगा, कुछ अमेजिंग अगर मिलता है रास्ते में दिखाने को आप लोगों को, तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कुछ अच्छा दिखा पाऊँ, क्योंकि यार मैं भी पहली बार आया हूँ और मेरी YouTube फैमिली आप लोग भी मैक्सिमम ऐसे होंगे बंदे जो पहली बार मेरे ब्लॉग के ज़रिए यहाँ पे पहुँचोगे पहली बार, तो सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को दिखा दूँ। अभी तो यार ये चीज़ देखो आप यार, मतलब भाई साहब किधर से निकला जाए भाई, इधर तो रोड ही भाई ऐसे ख़राब है। अरे दे 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 दे, ओ भैंस की टांग। और ये मेरा जूता हो चुका है गिल्ला। ओ भाई ओए ओए ला भाई साहब। और ये फंस चुका है मेरा टायर। ये तो दिक्कत हो गई।
यार ये टायर ही फंस गया मेरा। चल चल मतलब वो फंस गया मैं असली जगह पे। चल निकल गई भाई। बाइक तो निकल ही जाएगी फिर भी। धन्यवाद आपका। वगैरह यार निकल गया यहाँ से, नहीं तो मेरे को अभी लगा मैं कहा भाई फंस गया बस यहाँ। ब्लॉगिंग का ये सही है यार कि खुद के साथ बातें करते रहो, खुद का भी इंजॉय हो जाता है, मज़े आती है खुद के साथ बात करने में। ऐसा भी है कि ब्लॉगिंग के बगैर तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस लिया नहीं खुद के साथ बात करने का कि भाई हाँ खुद के साथ भी बात कर सकते हैं। ये चेक कर सकते हैं आप यार, निर्वागा कॉलेज थोड़ा लेट हो गया है दिखाने में आपको। कॉलेज के पास काफ़ी प्यारा कॉलेज है, मैंने आपको आते हुए भी कहा था सेम वैसा लगता है जैसा यार राजगढ़ का कॉलेज है। अब तक का मेरा सबसे लॉन्ग टूर है, मैंने अब तक का सबसे लंबी राइड मारी है, ये मेरी राइड हुई है, सोलो राइड है ये अपनी अब तक की सबसे लंबी राइड है। मतलब वो भी है काम का काम हो गया और घूमने का घूमना और ब्लॉग का ब्लॉग शूट हो गया। बस अब तो यही है कि यहाँ से अब भाई फुल पावर जाएगा सोलन के लिए, मतलब जितनी मैं भगा सकता हूँ इस बाइक को उतनी भगाऊंगा, क्योंकि अब यहाँ से आगे पक्का रोड है। अभी तक मैं कच्चे रोड में था तो थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, एक तो यार टायर थोड़े से गंजे हैं आपको पता है यार, काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम है, मेरे को लग रहा है कि मेरे को टाइम से इन्हें चेंज करना होगा। बाकी देखो यार काफ़ी प्यारा है, काफ़ी प्यारा। तो अभी आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, चलते हैं। आप ब्लॉग में मेरे साथ बने रहिए और ब्लॉग को पूरा इंजॉय कीजिए। और यार व्यूज़ बीच में घट गए थे, अब दोबारा आ गए, समझ नहीं आ रहा है बस ये कि प्लीज़ यार देखा करो, आप लोगों के लिए लगे हुए हैं बना रहे हैं आप लोगों के लिए व्लॉग और इतनी दूर दूर ट्रैवल कर रहे हैं अपनी बाइकों की ऐसी गंदी हालत कर रहे हैं, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए ही है। तो प्लीज़ देखा करिए यार भाई के व्लॉग को। चलते हैं आप नेरवा में अंदर, मार्केट में एंटर हो चुके हैं, मार्केट दिखाते हैं आपको, मार्केट चेक करो आप। गिरता नहीं हूँ भाई, बहुत है मेरे लिए, हमारा भारत महान, बहुत ही ज़्यादा महान। बाइक एक तो गंदी हो गई यार, फिर भी नहीं नज़रें पड़ती ज़्यादा इस पर, अगर साफ़ होती तो भाई इस बाइक को देखने का मज़ा ही कुछ और है, क्योंकि साफ़ में ये काफ़ी प्यारी लगती है। धर ले देख सकते हो यार आप, काफ़ी प्यारी मार्केट थी नीरवा की, मेरे को तो भाई ऑब्वियसली बहुत अच्छी लगी भाई, माँ कैसे भाई का तो दिल आ गया इस मार्केट में। बाकी आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसी लगी इसकी मार्केट यार नीरवा की। बाकी मिलते हैं आप लोगों से आगे, आप लोग बने रहिए मेरे साथ तक ब्लॉग में। अब यार चलो मिलते हैं आप लोगों से आगे। तो यार अभी पहुँच चुके वहाँ पे, यहाँ नाम बोलते जहाँ परसों भी थे यार, वो बहुत सारे पक्षी से थे, ये देख सकते हैं आप यार, यहाँ चेक कर सकते हैं गाय मरी है यार इसके, मतलब काफ़ी बुरे हाल है। अभी यहाँ एक छोटा सा जानवर भी था, वो भाग गया है यहाँ से मेरी बाइक की आवाज़ सुन के, नहीं तो उसको भी दिखा था, छोटा सा था पता नहीं यार लोमड़ी थी कि पता नहीं क्या था, था कुछ छोटा सा। तो फाइनली पहुँच चुके थे यार सोलन, और यार थोड़ा सा आँखों में दर्द हो रही थी, सर दर्द भी हो रही थी, इस कारण
कारण ब्लॉग नहीं बना रहा था, बाइक करा दी है मैंने वॉश यार पूरी। चलते हैं अभी गोंडा नाला, और गोंडा नाला में मिलते हैं आप लोगों को, दिखाता हूँ मैं आपको। फुल वॉशिंग करवा दी है मैंने इसकी, साफ हो गई थी एकदम। नहीं तो यार पहले तो भाई माँ का संग मतलब किलो किलो के हिसाब से जमा हुआ था, तो अभी साफ करवा दिया। और यार भाई वापस क्या आया मैं, शांति का रोड ही मेटल हो गया भाई वो, इतनी सी खुशी बस इतनी सी खुशी। अरे तो एक साइड की हो रही है अभी, यहाँ पे डबल थी क्योंकि यहाँ पे यार वैसे भी रोड खराब था, तब शायद इन्होंने डबल की होगी, अभी तो एक ही चला भाई ऊपर वाले। चलो ठीक है यार धीरे धीरे हो जाए, क्योंकि इसके शांति रोड के भी बड़े बुरे हाल थे। तो चेक करो यार ये रही अपनी बीच, फुल वॉश करवा दी थी मैंने, देख सकते हैं आप यार काफ़ी प्यारी लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी तो अभी मैंने साफ़ करवा दी। तो यार इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। और भाई लोग जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ यार जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि अपने भाई ये अपना चैनल जाओ और जाके सब्सक्राइब करो।